लेट्स आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन। ठीक है, एक आइडेंटिटी मैं आपको और बता देता हूँ। देर इज ओनली जस्ट वन आइडेंटिटी, देर वॉज परहैप्स मिसिंग इन द बुक। वो है ये वाली बच्चे। हाँ, अगर आपका पास ऐसा कुछ हो, P implies Q और R implies S, ठीक है, ये दोनों हो, मतलब P implies Q भी हो और R implies S भी हो, तो ये इसको इम्प्लाई करता है। ठीक है, सर इसका नेम सर हाँ जी बच्चे, आइडेंटिटी इम्प्लीकेशन और इक्वलेंस वाले में हाँ, प्रिमाइसिस को आप डिसजंक्ट कर रहे हो इसमें और कंक्लूजन को डिसजंक्ट कर रहे हो। नहीं समझ लगा? नो सर, मैं पूछ रही हूँ सर इसका नेम भी है जो ऐसे ही आइडेंटिटी है। ठीक ऐसे ही आइडेंटिटी है बच्चे, देयर इज नो नेम फॉर इट। ठीक है, करें आगे। दिस इज एन आइडेंटिटी फॉर इट। सर, तो चलो पहले हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। तो दो तरीके के बच्चे फॉर्मल प्रूफ होते हैं आपके। फर्स्ट इज द डायरेक्ट प्रूफ। तो पहले हम दोनों की एग्जाम्पल एक एक देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा, और फिर हम जो एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन है उसको देखेंगे। सेकंड इज द इनडायरेक्ट प्रूफ। तो डायरेक्ट प्रूफ में बच्चे ऐसा होगा कि आपको बहुत सारी प्रिमाइसेस दी होंगी, और इनडायरेक्ट प्रूफ में भी ऐसा ही होगा, प्रिमाइसेस बहुत सारी प्रिमाइसेस दी होंगी, जैसे आपको आर्ग्यूमेंट में दी होती है ना वैसे ही। बट ऑब्वियसली ये प्रिमाइसिस होंगी फॉर्मूला की फॉर्म में। आर्ग्यूमेंट में तो आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में होती है ना, इसमें आपको बहुत सारी प्रिमाइसिस दी होंगी, मतलब प्रिमाइस वन, प्रिमाइस टू, प्रिमाइस थ्री, ठीक है, और फिर आपको साथ साथ एक कंक्लूजन दिया होगा, और ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, ये आपको प्रूफ करना है आइदर थ्रू डायरेक्ट प्रूफ या इनडायरेक्ट प्रूफ। अगर आपको ऐसा नहीं बोला गया कि डायरेक्ट प्रूफ या इनडायरेक्ट प्रूफ से करना है, फिर आप ट्रुथ टेबल से कर सकते हो। ठीक है, फिर आप ट्रुथ टेबल यूज कर सकते हो, देयर इज नो हार्म इन इट। तो अगर आपको ओके बोला गया सर। है, हाँ, अगर आपको बोला गया है कि डायरेक्ट प्रूफ से करना है, फिर आपने क्या करना है, ये आपके हाथ में है, प्रिमाइसेस आपके हाथ में है, आप यूज कर सकते हो इन प्रिमाइसेस को। इन प्रिमाइसेस को आप प्रूफ में कभी भी ला सकते हो कि प्रिमाइस वन, ये गिवन है आपको, मतलब एक तरीके से पी टू भी गिवन है, पी थ्री भी गिवन है। इनसे आप और आइडेंटिटीज और लॉज यूज करके और चीजें भी बना सकते हो, और प्रिमाइसेस भी बना सकते हो। बट आपका अल्टीमेट एम क्या होता है डायरेक्ट प्रूफ में, कि आपने इन सभी प्रिमाइसेस और आइडेंटिटीज और लॉज को यूज करके ये बनाना है, कंक्लूजन बनाना है। जब आपका कंक्लूजन आ गया रिजल्ट में, तो वहां आपका प्रूफ खत्म हो गया, दैट्स इट। ये चीज क्लियर है बच्चे? ये चीजें आपको गिवन होंगी, पूरा फॉर्मूला आपको गिवन होगा, आपने इनको यूज करना है। प्रिमाइसेस को आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हो, इन पर लॉज लगाओ, इन पर आइडेंटिटीज लगाओ, और बनाना आपने ये है फाइनली, कंक्लूजन बनानी है। ठीक है, दैट्स अ डायरेक्ट प्रूफ। और इनडायरेक्ट प्रूफ में क्या होगा, आपने मान लेना है आपकी कंक्लूजन जो है वो नेगेटिव है, निगेशन में है, फिर आपने क्या करना है, इन प्रिमाइसेस को यूज करना है और कंक्लूजन बना देना है। ठीक है, मतलब कि बेसिकली एक तो आपके पास निगेशन पी आपने मान लिया, लेकिन फिर आपने बना भी दिया। जब आपने मान भी लिया और बना भी लिया, तो उसको कहते हैं हम कॉन्ट्राडिक्शन। जैसे आपके आर्गुमेंट में थी ना, वैसे ही कॉन्ट्राडिक्शन इसमें भी होती है, तो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट प्रूफ।
इन क्वेश्चंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रूफ के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, प्रूफ्स के आने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है जो आप ट्रुथ टेबल से कर सकते हो, लेकिन ऑब्वियसली इट्स अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस सो वी आर डूइंग इट। इज इट ओके? डायरेक्ट प्रूफ कैसे करना है और इनडायरेक्ट प्रूफ कैसे करना है बच्चे, ये क्लियर है फर्स्ट ऑफ ऑल? क्लियर है? यस सर, यस। सो लेट्स स्टार्ट विद वन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट प्रूफ। तो आपके बुक में पेज नंबर 191 पर एग्जाम्पल 2 दी हुई है। पहले हम एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं और फिर आपका एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दोनों का एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 में लिखा हुआ उसने गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ, तो नीचे आपको काफी सारी प्रिमाइस और कंक्लूजन दिए हुए हैं। ये देखो इसने कहा है कि गिव डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस, आई मीन ये फॉर्मूले लिख रहा हूँ, कॉमा एस डिसजंक्शन क्यू, सॉरी एस डिसजंक्शन पी है नॉट क्यू, एस डिसजंक्शन पी और निगेशन क्यू इंप्लाइज एस। तो अब डायरेक्ट प्रूफ देना है हमने इसका, ठीक है? डायरेक्ट प्रूफ देना है। डायरेक्ट प्रूफ का मतलब क्या है कि ये हमें यूज करनी है प्रिमाइस और ये बनानी है, ठीक है? तो प्रिमाइस, एक प्रिमाइस वन हमें दी हुई है, निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, एस डिसजंक्शन पी और निगेशन क्यू। तो सबसे पहले आपका स्टेप वन आता है, इसमें सारे स्टेप्स में ही होंगे, ठीक है? स्टेप वन आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ऐसे भी लिख सकते हो बिना स्टेप ऐसे लिखे हुए, आप सीधा लिख दो यहाँ पर। पहले इंट्रोडक्शन एक लिख दो कि इंट्रोड्यूसिंग प्रिमाइस। तो कोई भी प्रिमाइस आपको लगता है जो बेटर है आपके लिए वो आप इंट्रोड्यूस कर सकते हो। जैसे मुझे लगता है कि ये प्रिमाइस जो है वो बेटर है, तो मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ प्रिमाइस वन को, तो इसका मतलब मैं इसको अब यूज़ कर रहा हूँ। तो इस स्टेप को नंबर दे देना आपने, हर स्टेप को नंबर दे देना, ठीक है? इसको मैंने स्टेप वन दे दिया है, मेरा पहला ये पॉइंट है। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं फिर इंट्रोड्यूस करता हूँ, इंट्रोड्यूसिंग प्रिमाइस मेरे को थ्री लगती है कि वो बेटर रहेगी, तो मैंने उसको भी इंट्रोड्यूस किया, ठीक है? इसको दूसरा पॉइंट दे दिया, चाहे आप रोमन यूज करो चाहे आप न्यूमेरिक यूज कर लो, नो इश्यूज। तो मैंने पहले प्रिमाइस वन को इंट्रोड्यूस किया, फिर प्रिमाइस टू को इंट्रोड्यूस किया। अब आप, आपके पास एक बच्चे एक आइडेंटिटी है कि निगेशन पी और क्यू, इसका जब आप डिसजंक्शन कंजंक्शन करते हो और ये वाली टर्म आपकी, यहाँ निगेशन ना करें हम, P और Q, और यहाँ पर अगर आपके निगेशन में ये वाली टर्म आ जाती है तो ये क्या इम्प्लाइज करता है कि आपका P पार्ट ठीक पी, है। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना बच्चे? यस सर, इस यस सर, आइडेंटिटी को क्या कहते हैं? सर, डिसजंक्टिव डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन। तो यहाँ पर आपने लिखना है डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन ऑफ वन एंड टू। साथ में आप लिख भी देना अगर आपने ज्यादा एक्सप्लेन करना है कि ये वाली होती है डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, ये हमने यूज किया, तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा? निगेशन पी। ऑब्वियसली इस पी को के साथ कंफ्यूज ना हो जाना, क्योंकि यहाँ पे भी पी होता है लेकिन यहाँ पर इस टाइम पे निगेशन पी है, तो रिजल्ट भी निगेशन पी आएगा। गेटिंग इट? इसको आप तीसरा पॉइंट दे दो। ये समझ में यस आया ना बच्चे सभी को? लास्ट वाला नहीं समझ आया, निगेशन पी वाला। अच्छा ये देखो, यहाँ पर देखो, इस साइड पर देखो, इस बॉक्स में बच्चे देखो, आपको एक प्रिमाइस दी हुई है निगेशन पी डिसजंक्शन क्यू, और आपको पता ही है इस कॉमे का क्या मतलब होता है,
डिसजंक्शन होता है ना, किया था ना आर्गुमेंट में कि जितनी भी आपकी प्रिमाइस होंगी वो क्या होंगी, उनका उनका कंजंक्शन होगा, ऐसे ही करते थे हम, है ना? बोलो, ऐसे ही करते थे? यस सर, यस। हाँ, और फिर हमारा डिसजंक्टिव सिंपलीफिकेशन क्या कहता है कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म यहाँ पर बिना निगेशन के, यहाँ पे निगेशन के साथ अगर आ जाती है तो ये वाली टर्म आती है रिजल्ट में। तो अब ये देखो, ये वाली टर्म बिना निगेशन के, ये वाली टर्म सेम टर्म निगेशन के साथ, निगेशन के बिना, निगेशन के साथ, तो ये टर्म ही आएगी ना रिजल्ट, ये इम्प्लाइज यही करेगा निगेशन भी। ठीक है, साइड में आप रीजन भी दे देना यहाँ पर अगर आप देना चाहो, यहाँ ऑब्वियसली जगह कम ना पड़ जाए इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूँ। इज इट ओके? यस सर। तो बच्चे हमारे पास एक और निगेशन पी भी आ गया फिलहाल, तो ये और ये सॉल्व कर लिया हमने, ये और ये यूज कर लिया है, निगेशन पी हमारे पास आ चुका है। हमने बनाना क्या है, एस बनाना है, तो एस की तरफ जाना है, एस हमें यहाँ पे मिलेगा तो हम इसको भी इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। इंट्रोड्यूसिंग प्रिमाइस टू, तो प्रिमाइस टू क्या है, एस डिसजंक्शन पी, इसको चौथा नंबर दे दो। इज इट ओके? यस सर। इज इट ओके? इसके बाद बच्चे एक होता है कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन, सॉरी कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन नहीं, इट्स अ और यहाँ पर है निगेशन पी, तो ये देखो सेम वही चीज ही बन गई, एक पी है यहाँ पे निगेशन पी है, ये इम्प्लाइज क्या करेगा कि ये इस टर्म को, तो एस, तो यहाँ पर भी आप सेम लिखो डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन ऑफ यहां नंबर ठीक से लिखना, ठीक है, 3 and 4, तो आपको रिजल्ट आ जाएगा ये। ठीक है जी, इज इट ओके? इज इट ओके? यस सर। तो यहां पर अब ये आपकी कंक्लूजन आ गई और फाइनली आपका रिजल्ट आ गया। इज इट ओके? दिस इज योर कंक्लूजन, योर स्टेप 5 इज द कंक्लूजन विच वी वॉन्ट टू ऑब्टेन, एंड हेंस वी हैव डन द डायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस प्रॉब्लम। क्लियर है? कहीं पे बच्चे कुछ पूछना हो, कुछ डाउट हो, दोबारा पूछ सकते हो आप, कहीं पे भी कोई डाउट हो पूछ सकते हो दोबारा, बोलो। सिंप्लीफिकेशन बोलो, कहीं पे भी कोई भी डाउट है, थोड़े से स्टेप्स हैं बच्चे। एक चीज आप जरूर याद रखना कि आप सोच रहे होंगे कि यही यही स्टेप क्यों परफॉर्म किए हैं हमने, पहले उसको ही इंट्रोड्यूस क्यों किया है, पहले उसको ही इंट्रोड्यूस क्यों किया है, तो ये मैं आपको स्कीम बताता हूँ कि कैसे आपको लाना गया है, आपको लाना है ये, ठीक है, यही लाना है ना, एस फाइनल। हेलो? यस सर। आपको यही लाना है एस? यस सर। तो एस को लाना है, और एस कहाँ से आएगा, एस एक ही टर्म में है आपके, वो है इस टर्म में, ठीक है, तो मतलब आपको फाइनली इसको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा लास्ट में जाके, और उसमें से ये पी को हटाना है आपने, तो इस पी को आपको पता है कैसे हटाया जा सकता है, डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन से, डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन से ये पी हट जाएगा, आपको इतना आइडिया हो जाना चाहिए यहाँ पे किस पी को हटाना है, और ये पी हटेगा कैसे, डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन से, लेकिन मेरे को फिर निगेशन पी भी चाहिए,
अब जो निगेशन पी है वो कहां से आएगा, वो बाकी की प्रमाइज से आपको लेके आना ही है। तो आप जरूरी नहीं है इन, ये आपने तीसरी वाली जो है आपकी जो दूसरी वाली प्रिमाइस है, आपने ये तीसरे स्टेप में चौथे स्टेप में इंट्रोड्यूस की है, तो आप इसको चाहे तो पहले स्टेप में भी इंट्रोड्यूस कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, शुरू में भी इंट्रोड्यूस कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले आपने पहली इंट्रोड्यूस की फिर तीसरी इंट्रोड्यूस की, आप चाहे पहली दूसरी और तीसरी एक साथ इंट्रोड्यूस कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बनाना क्या है, फाइनली आपको यहां तक पहुंचना है और यूजिंग योर लॉज, यूजिंग योर आइडेंटिटीज, आपको यहां तक पहुंचना ही है। स्टेप्स आप चाहे ऊपर नीचे जैसे मर्जी परफॉर्म करो, लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जो पहले परफॉर्म होने चाहिए। जैसे जब तक ये डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन नहीं करोगे, तब तक ये वाली डिसजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी। सो इज इट ओके, इज इट ओके। यस सर, यस सर। तो अब एक इनडायरेक्ट प्रूफ देख ले। यस सर। तो इनडायरेक्ट प्रूफ की भी एक एग्जांपल देखते हैं साथ में, नीचे दी हुई है एग्जांपल 3। तो इसने बोला है कि इनडायरेक्ट प्रूफ, गिव इनडायरेक्ट प्रूफ ऑफ दिस एक्सप्रेशन, पी इंप्लाइज आर, क्यू इंप्लाइज एस, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है आपको ये आपको बनाना है आप किसी भी हालत में इनको यूज करके, और ऑब्वियसली अपने लॉज यूज कर सकते हो आप, और साथ ही साथ आइडेंटिटीज भी यूज कर सकते हो। तो सबसे पहली अब चीज अगेन यहाँ पर हमने इनडायरेक्ट प्रूफ करना है, तो पहले क्या करें, तीनों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। चलो ठीक है, लेट्स से इंट्रोड्यूस प्रिमाइस 1, इंट्रोड्यूस प्रिमाइस 2, इंट्रोड्यूस प्रिमाइस 3। तो ये इंट्रोड्यूस हो गई, पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज एस, ठीक है, ये भी हो गई, और ये अब 1 पॉइंट ले लो, ये 2, ये 3। अच्छा अब बचाओ बचे, हमें एस और आर बनाना है, तो कैसे करें? कैसे करें बच्चे बोलो। डायरेक्ट प्रूफ, इसका पहले डायरेक्ट प्रूफ करते हैं ताकि डायरेक्ट प्रूफ की भी एक हमें हो जाए। तो पहले तो मैंने तीनों इंट्रोड्यूस कर लिए हैं, ठीक है, ये डायरेक्ट प्रूफ से करते हैं पहले, इनडायरेक्ट से मैं आपको बाद में बताता हूँ कैसे करेंगे। अब बोलो फटाफट, हमें ये बनाना है, मतलब सो एक मेरे को फर्स्ट एंड एस थर्ड चाहिए, लेंगे। फर्स्ट और थर्ड लेते हैं, क्या होगा इनका फर्स्ट और थर्ड का, कोई है, कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो इनको सिंप्लीफाई कर सके, इन दोनों को एक साथ सिंप्लीफाई कर सके, कुछ है ऐसा? सर सेकंड और थर्ड को ले, नहीं, सर ये नहीं आना। नहीं, डिटैचमेंट में बच्चे यहां पर आपका एक चीज आती है ना, फिर होगी डिटैचमेंट। यहाँ पर अगर दो चीजें आ रही हैं तो यहाँ पर भी दो चीजें आ जाएं। चलो अभी मैंने ना आपको आज सुबह सुबह ही पहले ही मैंने आपको एक आइडेंटिटी करवाई थी, अभी अभी आइडेंटिटी करवाई है, कौन सी, ये वाली, P और कौन सी करवाई है, एक यहाँ पर implies आर P इम्प्लाइज एच, S ठीक है, S तो ये किसको राइज करते हैं, P पी sub आर disjunction और क्यू, simplify कुछ S ऐसा ही है। Yes sir
ऐसा है कुछ? फर्स्ट एंड सेकंड पे लग जाएगी सर, पी डिस्टिंक्शन क्यू इंप्लाइज आर डिस्टिंक्शन, ऐसा जाएगा। सॉरी सॉरी, दोबारा बोलना, क्या बोले आप? सर जो प्रिमाइज इंट्रोड्यूस कराए हैं फर्स्ट एंड सेकंड पे वो लग बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पी डिस्टिंक्शन क्यू ऑन इंप्लाइज वन, आर यहाँ पर लिखा, डिस्टिंक्शन। और यहाँ लिखना भी है ऑन वन एंड टू, तो क्या आ जाएगा? एक तो आ जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू क्यों इम्प्लाइज आर आर डिसजंक्शन डिस्टिंक्शन, एस, यस तो ये आपका चौथा पॉइंट हो गया। अब बड़े ध्यान से देखो और मेरे को बताओ, ये डिसजंक्शन है। थोड़ा यहाँ साफ करके बना देता हूँ। अब इस पे हम कंजंग नहीं डिस्जंक्टिव एक सुन, अभी थोड़े टाइम पहले आप बोल रहे थे, वही लगाओ बच्चे, थोड़े टाइम पहले बोल रहे थे आप। थ्री और फोर पे लगेगा, थ्री एंड फोर, थ्री थोड़े टाइम पहले ही एक बच्चे ने बोला था। सर डिटैचमेंट ना, बिल्कुल बिल्कुल, डिटैचमेंट लगाएंगे, यूजिंग डिटैचमेंट। तो डिटैचमेंट ये देखो, ये आप पूरे का पूरा को क्या मान लो, ये आपका है लेट सपोज पी एक्स है, इस पूरे को मान लो ये आपका क्यू है, ठीक मोर है, और ये जो आपका है ये क्या है, ये भी पी है, अगर ये पी है तो ये भी पी है, ठीक है। पी नहीं यूज यस करते हैं हम, एक्स वाई यूज कर लेते हैं, सो दैट के कंफ्यूजन कम हो जाए, ये एक्स है ये वाई है। अब बच्चे आपको एक्स इम्प्लाइज वाई भी है और यहाँ एक्स भी है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, वाई ही इम्प्लाई करता है ना, तो यस हमारा ये आ गया। देखो यार, ये हमारा पांचवा पॉइंट हो गया। अब हमें चाहिए एस डिसजंक्शन आर चाहिए, लेकिन आ रहा है आर डिसजंक्शन एस, तो आप क्या करें, सर लॉ लगा लेंगे इस पे, कॉम्यूटेटिव कौन सा लॉ? यूजिंग कॉम्यूटेटिव कॉम्यूटेटिव लॉ। किस पे लगाना है कॉम्यूटेटिव लॉ? पांच नंबर पे, ऑन फाइव, तो एस और आर आ गया, ठीक है। कंक्लूजन इज ऑब्टेन्ड एंड वी हैव डन द डायरेक्ट प्रूफ, इज इट ओके? तो दोबारा मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ, तो आप इसका इनडायरेक्ट प्रूफ देखें। डायरेक्ट तो देख लिया, इनडायरेक्ट प्रूफ का एक क्वेश्चन कर लिया फटाफट। यस सर। ओके, तो अगेन सेम क्वेश्चन, P implies R, Q implies S, P disjunction Q, और कंक्लूजन हमारी क्या आती है, S disjunction R। तो इसको यूज करना है। अब इनडायरेक्ट प्रूफ है, तो इनडायरेक्ट प्रूफ का क्या मतलब होता है कि सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चे, जो मैंने बोला था इनडायरेक्ट प्रूफ में हम करते हैं, हम कंक्लूजन प्रोसेस को, ठीक है ठीक है, निगेटिंग कंक्लूजन या निगेशन ऑफ कंक्लूजन वो लेते हैं हम, निगेशन लेते हैं कंक्लूजन का, जो कि क्या आएगा, निगेशन निगेशन एस एस, कंजंक्शन निगेशन आर। ठीक है। और लॉस तो बच्चे बाद में लगाएंगे ना हम, पहले तो आप ओवरऑल पूरे का ही निगेशन लगा दो, ठीक है। ओके ओके सर, हाँ, तो अब यहाँ लॉ लगा दो जो आप बोल रहे थे, यूजिंग कौन सा लॉ होता है, डिमॉर्गन डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। कुछ ज्यादा आपके लॉज यहाँ पर यूज नहीं होने हैं, डी मॉर्गन्स लॉ यूज हो जाएगा, डबल निगेशन लॉ यूज हो जाएगा, कॉम्यूटेटिव हो जाएगा, बस इतने लॉज ही आपके यूज होंगे, सारे के सारे यहाँ पर इतने यूजफुल नहीं होते हैं, बट ऑब्वियसली नॉलेज रखना आप सभी की।
ये आपका सेकंड पॉइंट आ गया है ना, निगेशन एस और निगेशन आर। आपने अब क्या करना है, इनडायरेक्ट प्रूफ में कुछ ऐसा प्रूफ कर देना है, कोई ऐसी टर्म जैसे कि कोई एक्स भी आ जाए और साथ साथ निगेशन एक्स भी आ जाए, कुछ ऐसा आपने बना देना है कि वो एक्स भी आ जाए और निगेशन एक्स भी आ जाए। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन, इसी को बोलते हैं ना कॉन्ट्राडिक्शन, कि एक्स भी ट्रू आ जाए और निगेशन एक्स भी ट्रू आ जाए, जबकि हो नहीं सकता, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स, ये ट्रू होगा तो ये फॉल्स हो जाएगा, ऐसे ही होता है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन लेके आनी है अब आपने, तो किसी भी चीज में हो सकती है वो कॉन्ट्राडिक्शन। तो आगे बढ़ते हैं हम, चलो इंट्रोड्यूस कर दिया, लेट सपोज मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया सभी को, इंट्रोड्यूस प्रिमाइस वन, प्रिमाइस टू, प्रिमाइस थ्री, ठीक है, इन सभी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। पी इम्प्लाइज आर, क्यू इम्प्लाइज एस, पी डिसजंक्शन क्यू, ये आपका तीसरा पॉइंट, ये आपका चौथा पॉइंट, ये आपका पांचवा पॉइंट। बोलो अच्छे, अब बोलो बच्चे, अब आगे क्या करें, हेलो क्या करें बच्चे, आगे बताओ कौन सी आपको लगता है कि, और जरूरी नहीं एक ही तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, दो तरीके भी हो सकते हैं, तीन तरीके भी हो सकते हैं, आपने उसको देखना है। जैसे हमने इंटरेक्ट में किया था तो इनडायरेक्ट में सॉरी सर, डायरेक्ट डायरेक्ट प्रूफ से किया था, जो आइडेंटिटी आपने आज करवाई थी वो लगा, ये दोनों कह रहे हो आपकी लगा लें, P implies Q. चलो ऐसा कर लेते हैं, ये देखो अगेन, चलो वो मैं लिखता नहीं हूँ यहाँ पे, हम क्या करते हैं सीधा यहाँ पे बता देता हूँ मैं, जो आप क्या कह रहे हो कि ये वाली आइडेंटिटी हम यूज़ कर लें, ये वाली आइडेंटिटी है ना, जिससे यही चीज़ वापस बन जाए और फिर इसके साथ ये वापस ये चीज़ बन जाए, और फिर कॉम्यूटेटिव लॉ लगाओ तो ये बन जाए आपका, तो ये ऑब्वियसली कंक्लूजन का निगेशन ही हो गया। लेकिन यहाँ पर बच्चे एक कैच है, कैच क्या है, आपने जो चीज़ मानी है ना उसकी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आप कर सकते, ये तो फिर डायरेक्ट प्रूफ ही हो गया ना कि आपने ये चीज प्रूफ कर दी, इसकी कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आप कर सकते, इस वाली चीज की कंक्लूजन की कॉन्ट्राडिक्शन नहीं कर सकते, किसी और एक्सप्रेशन की कॉन्ट्राडिक्शन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है, मतलब इस एक्सप्रेशन को छोड़ के किसी और एक्सप्रेशन की कॉन्ट्राडिक्शन करनी है। तो आप बताओ क्या करें, चलो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसको इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं ना, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे, ये बच्चे सिंप्लीफाई, ये आपको आइडेंटिटी याद है ये वाली, ये याद है ना कौन सी आइडेंटिटी है, ये कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन यूजिंग कंजंक्टिव, बच्चे अगर क्लास खत्म होगी ना तो यहीं से शुरू करेंगे, यूजिंग कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन। तो इससे हमारे सिंप्लीफिकेशन किस पे करनी है, कौन से पॉइंट पे करनी है, नंबर टू पॉइंट पे, इस पे ही करनी है ना। तो एक हमारे पास आ गया निगेशन एस, इसको 6 पॉइंट मान लो, अगेन यूजिंग कंडक्टिव कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन ऑन टू, तो एक निगेशन आर भी आ गया, इसको 7 पॉइंट मान लो।
अब बच्चे देखो आगे क्या आएगा। हमेशा जब आपको ना ऐसी चीज मिल जाए ना जहां कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन लग सकता है, कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन हमेशा लगा दो। दो चीजें हमेशा लगा देना जहां आपको डी मॉर्गन्स लॉ का स्कोप नजर आता है या जहां पर आपको कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन का स्कोप नजर आता है, ये दो चीजें पहले लगाना हमेशा। ठीक है, ये अपनी रूल बुक में लिख ही लो कि ये दो रूल्स मैंने फॉलो करने ही करने हैं। जहां जहां कंजंक्टिव सिंप्लीफिकेशन लग सकती है वहां लगानी लगानी है, जहां जहां मुझे डी मॉर्गन्स लॉ मिल सकता है वहां वहां डी मॉर्गन्स लॉ भी मैंने लगाना ही लगाना है। ठीक है बच्चे, लेस देन 1 मिनट रिमेनिंग, फटाफट बोलो, यहीं से कंटिन्यू करेंगे अगला लेक्चर कल को। खत्म हो गया ना, तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बताओ क्या चीज लगाएं अब। सर, हाँ सर अभी दोनों पर जैसे इनके डिसजंक्शन ऐसे भी कर सकते हैं कुछ? सॉरी सॉरी, दोबारा बोलना। सर इनकी कंजंक्शन ऐसा भी हाँ, कुछ कर अगर आप सकते ऐसे कह हैं सकते कि पी ऐसा होता है तो पी अलग से लिख दें और क्यू अलग से लिख दें, ऐसा बोल रहे हो। नहीं सर, जैसे हमारे पास निगेशन एस और निगेशन आर आ गया है, तो हाँ, जो हमने प्रूफ करना है वो इन दोनों की कंजंक्शन ही प्रूफ करनी है। नहीं, हमें प्रूफ करना है कोई एक्स बनाना है और कोई निगेशन एक्स।